इंदौर में आज नो कार डे मनाया जा रहा है। बता दें कि देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर में स्वच्छता के साथ वायु और पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि रखते हुए विगत वर्ष 22 सितंबर को नो कार डे अभियान चलाया था। आज नो कार डे पर महापौर व कलेक्टर समेत तमाम अधिकारियों ने आने जाने में साइकिल और ई स्कूटर की मदद ली। यह दूसरा वर्ष जब इंदौर शहर में नो कार डे मना रहे हैं। नो कार डे के अवसर पर महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने साइकिल और ई स्कूटर का उपयोग किया। इंदौर महापौर पुष्यमित्र भार्गव अपने निवास रेडियो कॉलोनी से शिवाजी वाटिका पर नो कार डे के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में साइकिल से पहुंचे। शिवाजी वाटिका पर हुए ओपन एयर कैनवास कार्यक्रम के बाद वे शिवाजी वाटिका गीता भवन चौराहा होते हुए पलासिया चौराहे पर साइकिल से पहुंचे। उनके साथ महापौर परिषद सदस्य राजेंद्र राठौर, अभिषेक शर्मा बबलू, नंदकिशोर पहाड़िया, निरंजन सिंह चौहान व अन्य भी साइकिल से पलासिया चौराहा पहुंचे। वहीं इंदौर कलेक्टर आशीष सिंह भी आज नो कार डे पर ई बाइक से सुबह 9 बजे कलेक्टर कार्यालय पहुंचे। वहीं इंदौर पुलिस कमिश्नर राकेश गुप्ता भी साइकिल चलाकर अपने दफ्तर पहुंचे। नो कार डे पर पुलिस कमिश्नर ने अपने सरकारी वाहन का उपयोग नहीं किया। कमिश्नर राकेश गुप्ता अपने बंगले से दफ्तर तक साइकिल से पहुंचे। एडिशनल पुलिस कमिश्नर भी साइकिल चलाकर दफ्तर पहुंचे। लोगों को नो कार डे के लिए जागरूक करने के लिए जनप्रतिनिधि और अधिकारी स्वयं कारों का उपयोग नहीं करते हुए साइकिल, ई बाइक और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का उपयोग कर रहे हैं। इससे लोगों के बीच में एक संदेश पहुंचे और वह भी कारों का उपयोग एक दिन के लिए नहीं करें। यह पर्यावरण की दृष्टि से काफी लाभदायक रहेगा। बहरहाल पिछले साल इंदौर महापौर ने इसकी पहल की थी और इसका परिणाम भी अच्छा मिला। पिछली बार 13% कारें कम चली थी और इससे ईंधन की भी बचत होगी। इंदौर से राजीव टाइम्स की रिपोर्ट। देखिए, पहला तो ये प्रयास है, एक प्रोग्रेसिव स्टेप है। जब हम किसी चीज को शुरू करते हैं तो उसको जमने में समय लगता है, लेकिन पहली बार में पिछले वर्ष करीब 12% कारें सड़कों पर कम आई थी। कार्बन मोनोऑक्साइड और ग्रीन हाउस गैसेस का इमिशन कम हुआ, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा मिला। तो इस बार मुझे लगता है कि इसके डबल आंकड़े को हम छुएंगे, मुझे विश्वास है। पर उससे बड़ी बात जो मैंने आज BRTS लेन पर देखी कि हर चौराहों पर आम नागरिक निकलकर इसको लेकर जनजागरण कर रहे हैं। अलग स्थानों पर अलग अलग एक्टिविटी हो रही, चाहे पेंटिंग हो, कैनवास राइटिंग हो, मॉब एक्टिविटीज हो, फ्लैश लाइट हो, तो ये सब जागरूकता ला रहा है। सड़कों पर ट्रैफिक के दबाव को कम करने के लिए, इंदौर के पर्यावरण को बचाने के लिए, एयर क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए इंदौर ने 22 सितंबर 2023 से अंतर्राष्ट्रीय कार फ्री डे मनाना शुरू किया है, जो देश में पहली बार कोई शहर मना रहा है। और इस बार फिर 22 सितंबर 2024 को सबके सहयोग से सामाजिक संस्थाएं हो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो, जिला प्रशासन हो, नगर निगम हो, प्रशासन हो, हम सब मिलकर इंदौर को नवाचारों का शहर, भविष्य के इंदौर के लिए तैयार कर रहे हैं। मैं सबसे आह्वान और आग्रह करता हूं कि एक दिन, जैसे हम 15 दिन के शरीर के लिए एक दिन का उपवास रखते हैं, वैसा महीने में एक दिन का प्रयास करके कार का उपवास रखें और साल में कम से कम एक बार तो ये उपवास जरूर रखें। हम अपने आप को बल भी दे रहे हैं।